हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नरसिंहपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और इस जिले का जिला मुख्यालय नरसिंहपुर है। जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों में से एक जिला है नरसिंहपुर। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ नरसिंहपुर पर प्रकृति खूब मेहरबान हुई है। 110,738 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के पर कैपिटा इनकम के साथ ये मध्य प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट डेवलपिंग जिला माना जाता है। पहले ये क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहकर ऐतिहासिक वीरांगना दुर्गावती के शासन में रहा था। उस काल में अन्य नाम से कई उल्लेख मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। तब से यहाँ पर जिले का मुख्यालय बना और गडरिया खेड़ा नाम का ये गांव नरसिंहपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य के एक बेहद खूबसूरत जिला नरसिंहपुर के ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पूर्व में जबलपुर और सिवनी जिला, पश्चिम में रायसेन और होशंगाबाद जिला, उत्तर में सागर और दमोह जिला तथा दक्षिण में छिंदवाड़ा और सिवनी जिला से घिरा हुआ नरसिंहपुर जिला कुल 5,126 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सड़कों पर दौड़ती हुई अधिकतर गाड़ियों में अगर आप MP 49 लिखा हुआ देखें तो समझ जाए कि आप मध्य भारत के मध्य प्रदेश के मध्य जिला नरसिंहपुर में मौजूद हैं। दोस्तों, घूमने के लिहाज से नरसिंहपुर जिला में कई सारे शानदार पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूरज कुंड, बरमान घाट नरसिंहपुर, सतबरा बरमान घाट, दीपेश्वरी मंदिर बरमान घाट, रानी दहारा शिव पार्वती मंदिर, चौरागढ़ का किला, मिनी धुआंधार वाटरफॉल, गोंड राजमहल नरसिंहपुर, गरुड़ मंदिर नरसिंहपुर, हाथी नाला झरना, जबरेश्वर महादेव मंदिर, टोन घाट नरसिंहपुर, डमरू घाटी नरसिंहपुर, राम मंदिर नरसिंहपुर, नरसिंह मंदिर इत्यादि मुख्य रूप से शुमार है। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा, दूधी, सीतारेवा, उमर, हिरण, सकर, सेड़ सहित 10 प्रमुख नदियां बहती हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत 4 राजस्व अनुभाग, 6 तहसील, 446 ग्राम पंचायत और 1076 गांव आते हैं। दोस्तों, नरसिंहपुर जिला तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग का यूज किया जा सकता है। जहां एक और रेल मार्ग में नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र में है और इसका रेलवे कोड NU है। इटारसी जंक्शन और जबलपुर जंक्शन यहां से क्रमशः 161 किलोमीटर और 84 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बड़े रेलवे स्टेशनों में शामिल है। बात अगर सड़क मार्ग की करें तो नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संस्कारधानी जबलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंहपुर में स्टेट हाईवे MP SH 22 मौजूद है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 26 यहां से गुजरती है। बात अगर वायु मार्ग की करें तो यहां का निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर एयरपोर्ट है, जिसे डुमना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहां से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, डेमोग्राफी की ओर गौर करें तो मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिला की कुल जनसंख्या 10,91,854 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 5,68,810 जबकि महिलाओं की जनसंख्या 5,23,044 है। वहीं बात अगर सेक्स रेशियो की करें तो मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले का सेक्स रेशियो 917 महिला प्रति 1000 पुरुष है। नरसिंहपुर जिला के कुल जनसंख्या का लगभग 19% आबादी शहरी क्षेत्र में रहता है, जबकि बाकी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करती है। नरसिंहपुर जिले के 99% लोग हिंदी भाषा, जबकि बाकी बचे लोग गोंडी और सिंधी भाषा का उपयोग बोलचाल में किया करते हैं। इस जिले की ज्यादातर आबादी यानी कि लगभग 95% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। दोस्तों, साक्षरता दर की ओर गौर करें तो मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर जिले का साक्षरता दर 76.79% है। पुरुषों की साक्षरता दर 83.64% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 67.06% है। दोस्तों, नरसिंहपुर जिला के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की ओर गौर करें तो जहां एक और स्कूलों में सियाल इंटरनेशनल स्कूल नरसिंहपुर, केंद्रीय विद्यालय महर्षि विद्या मंदिर, गुरुकुल ज्ञान मंदिर हाई स्कूल, लॉरेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, चावरा विद्यापीठ नरसिंहपुर, तो वहीं कॉलेजों में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट PG कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज और MIMT इत्यादि महत्वपूर्ण है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा नरसिंहपुर जिले से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों बात अगर क्राइम की करें तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के हिसाब से नरसिंहपुर जिला का क्राइम रेट 297.48 है। इकोनॉमी की ओर गौर करें तो नरसिंहपुर जिला अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में अनाज का उत्पादन स्थानीय आवश्यकता से अधिक होता है। नरसिंहपुर जिले में मुख्यतः दो मौसम के फसल रवि और खरीफ की खेती की जाती है। दोस्तों इस जिले के प्रमुख व्यावसायिक फसलें सोयाबीन और गन्ना है। इसके अलावा करेली तहसील भारत की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादन में अकेले नरसिंहपुर का योगदान लगभग 80% है। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस जिले में समृद्ध काली मिट्टी है जो कि काफी उपजाऊ और खेती के लिए काफी उपयोगी है। नरसिंहपुर जिले में 26.55% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में सागवान, साल, बांस और साज के वृक्ष मौजूद हैं। जंगलों से यहाँ के लोग आंवला, चिरौंजी, हरे, बहेड़ा, गोंद और अन्य प्रकार की जड़ी बूटियों का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा खनिजों की बात करें तो इस जिले में सॉपस्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर, गाढ़रवारा और श्रीधाम में बीड़ी उद्योग मौजूद है। नरसिंहपुर जिले का लीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और 2019 से 20 के दौरान नरसिंहपुर जिले का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 14,89,027 लाख रुपए का था। दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो नरसिंहपुर जिले में कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, जहां आप बेहतर इलाज करवा सकते हैं। नरसिंहपुर जिले के कुछ प्रमुख हॉस्पिटलों में जिला अस्पताल नरसिंहपुर, जगदीश हॉस्पिटल नरसिंहपुर, लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल नरसिंहपुर और अग्रवाल हॉस्पिटल नरसिंहपुर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश के एक बेहद ही खूबसूरत जिला नरसिंहपुर के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है, जो कि आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के अपडेट्स इस चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।